फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलू जी टेक्नोलॉजी में। एंड आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से, दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि हम लोग अपना जो ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं उसका जो पासवर्ड है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग किस तरीके से, जब बाद में आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग किस तरीके से अपने पासवर्ड को आप लोग रीसेट करेंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम दोस्तों कई लोगों के साथ में होता है जो ईमेल आईडी हाल ही में क्रिएट कर लेते हैं और उसका जो पासवर्ड है उसको वो याद नहीं रखते या फिर कहीं पे वो नोट करके नहीं रखते हैं तो पासवर्ड वो भूल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग किस तरीके से अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को रीसेट करेंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके लिए अपने फ़ोन के अंदर जीमेल वाले एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। और अगर ये इस एप्लीकेशन को आप खोज रहे हैं, ये सबके फ़ोन में होता है, अगर आपके फ़ोन में ये खोजने से ना मिले तो आपको सीधा आ जाना प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जीमेल, ठीक है। आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। एंड आप इसको जैसे ही अपडेट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राइट साइड के टॉप कॉर्नर में। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद दोस्तों आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर आपको लोगो देखने को मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोग जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से विंडो देखने को मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल इन्फो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके जीमेल अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला जो इंटरफेस है ये केवल उन्हीं के फ़ोन में ओपन होता है जो लोग अपने फ़ोन के अंदर लॉक लगा के रखते हैं। स्क्रीन लॉक का फीचर अगर आपके फ़ोन के अंदर होगा तो वही आई वाला जो फीचर है वो आपके फ़ोन के अंदर आएगा, जहाँ से आप लोग अपने पासवर्ड को जो है वो रीसेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा इजी मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग किसी भी फ़ोन के अंदर रीसेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, जिन लोगों के फ़ोन के अंदर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है वो लोग यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं एंड अपना स्क्रीन लॉक जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट करवा करके अपना जो पासवर्ड है वो उसको लोग रीसेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जिन लोगों के फ़ोन के अंदर जो है स्क्रीन लॉक नहीं लगा हुआ वो लोग किस तरीके से अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ट्राई अनदर वे पर आपको क्लिक करना होगा। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको यस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है एंड ये अप्रूव्ड हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड जो पहला वाला टैब है उसके अंदर आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको आप अगर इसको चाहें तो इसकी भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी में आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, इसका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप लोग इसको चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। एंड आपके सामने जो है वो मेन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल वाला जो पासवर्ड है, जो आप लोग नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोग भी अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे चेंज पासवर्ड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जो आपका जो ईमेल आईडी है उसका जो पासवर्ड है वो बिल्कुल वन क्लिक में फ्रेंड्स आप लोग का तुरंत ही चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप से पॉपअप आ जाएगा एंड यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, आप देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड को जो है वो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी मैथड है। अगर आपको अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं याद है तो इस तरीके से आप लोग अपने जीमेल के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। आइयो दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और एक्साइटेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।